नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। 3 नए कृषि कानून की वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया का पहला कदम सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट ने इन कानूनों का वापसी वाले बिल को मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को इन कानून को वापसी का ऐलान किया था और अब इस पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद बिल को संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा। संसद का सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन यह बिल पेश होने वाला है। आप सांसद संजय सिंह ने बुधवार को लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के साथ ही यूपी के सियासी गलियारे में आरएलडी के बाद आम आदमी पार्टी के साथ सपा के गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि कम कर वसूली के साथ बढ़ते विदेशी ऋण उनके देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है, क्योंकि सरकार के पास लोगों के कल्याण पर खर्च करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इस्लामाबाद में चीनी उद्योग के लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास अपना देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जिसके कारण हमें कर्ज लेना पड़ता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कानपुर की ग्रीन पार्क में गुरुवार से खेला जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस टेस्ट मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 चुनी है। केएल राहुल के चोट की वजह से सीरीज से बाहर होने से भारत को तगड़ा झटका लगा है। इस मैच में विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है, वो दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। वहीं रोहित शर्मा को इस टेस्ट सीरीज में आराम दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 25 नवंबर को आईएनएस वेला भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगी। नेवी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण बताया है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। वेला स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों में से एक है, जिसे एमडीएल द्वारा मुंबई में फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ने बनाया जा रहा है। कालाहांडी शिक्षक के अपहरण और जान लेने के मामले में सरकार की निष्क्रियता के विरोध में भाजपा समर्थकों ने बुधवार को पुरी में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के काफिले पर अंडे फेंके। घटना सरकारी अस्पताल चौक के पास हुई, जो पटनायक मंदिर शहर से 331 करोड़ रुपए की हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के बाद भुवनेश्वर लौट रहे थे। भाजपा से लंबे वक्त से नाराज चल रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बुधवार को बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करते देखे गए। अपनी बेबाकी के लिए चर्चित स्वामी की इस मुलाकात की खबर के बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वो ममता बनर्जी के घर पर मुलाकात करने वाले हैं। फिलहाल इस बैठक का क्या एजेंडा रहेगा, इसकी कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन इसे परिणाम को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। बिग बॉस 15 की खराब टीआरपी का हाल अब हर किसी के सामने है। मेकर्स को नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लोगों की दिलचस्पी सीजन में भी बढ़ जाए। शो में होने जा रहे नए वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर अभी से ही लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्य इस शो में वाइल्ड कार्ड की मदद से एंट्री लेने वाली थी। ताजा अपडेट की माने तो बिग बॉस 15 में अब राखी सावंत की एंट्री होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं, वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले ही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगा और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं देगा। दशहरी और लंगड़ा जैसी आम का निर्यात अमेरिका को जल्द हो सकता है। अमेरिका ने भारत की एजेंसियों के परीक्षण प्रमाण पत्र स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। एक अधिकारी ने कहा है कि भारत ने पिछले 2 साल में अमेरिका को आम का निर्यात नहीं किया है। निर्धारित व्यवस्था के तहत फल और पौधे की सेहत की निगरानी से जुड़ा अमेरिकी निरीक्षक यहाँ आकर प्रक्रिया को देखता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम द्विपक्षीय सीरीज में व्यस्त हो गई है। वहीं BCCI अब अगले IPL की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL 2022 की शुरुआत 2 अप्रैल से हो सकती है। ये IPL काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार कुल 10 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। कल रात आई तेज गिरावट के बाद अब भारत में क्रिप्टो करेंसी ने रिकवर करना शुरू कर दिया है। बिटकॉइन की कीमत अब निचले स्तर में करीब 7 लाख रुपए रिकवर हो गई है, लेकिन यह अब भी अंतरराज्यीय बाजार के मुकाबले 10% नीचे कारोबार कर रहा है। वजीर एक्स पर बिटकॉइन की कीमत 40 लाख के ऊपर चल रही है, जबकि इससे पहले यह 33,50,000 रुपए तक लुढ़क गया था। तेज आवाज में डीजे बजाने से पशु और पक्षियों को परेशानी की तमाम रिसर्च आपने पढ़ी होगी, लेकिन ओडिशा का यह एक मामला हैरान कर देगा। ओडिशा के बालासोर जिले में मुर्गी फार्म चलाने वाले शख्स ने आरोप लगाया है कि तेज डीजे की आवाज से उसके करीब 60 मुर्गियों की जान चली गई। मुर्गी फार्म के मालिक ने आरोप लगाया है कि उनके गाँव में आई एक बारात में बज रहे डीजे की तेज आवाज के कारण ही यह हुआ है।
भारत अपने पड़ोसी देश को हर संभव मदद करने में विश्वास करता है, चाहे वो मानवीय मदद हो या सुरक्षा के लिहाज से उन देशों के सैन्य बलों का प्रशिक्षण। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने हाल ही में बांग्लादेश की नौसेना के कमांडो को स्काई ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी है। सेना के अधिकारियों की तरफ से इस ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया गया है। ये प्रशिक्षण दोनों देश के आपसी सहयोग के हिस्से के रूप में हुआ है। महंगाई से आज आम जनता परेशान है। एक ओर जहां घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपए पहुंच गए हैं, वहीं इस बढ़ते दाम ने किचन का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। वहीं पिछले कुछ समय से लोगों को भी बैंक खाते में सब्सिडी की राशि नहीं पहुंची है, लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही यह ठीक होने वाला है। प्रकृति के गर्भ में बसे झारखंड में अनेक प्राकृतिक स्थल है। झारखंड को प्रचुर जैव विविधता, सुखद जलवायु, समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों और सदियों पुरानी आदिवासी कलाओं से नवाजा गया है, जो राज्य को पर्यटकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाता है। झारखंड के आकर्षणों की बात करें तो डिमना झील, टाटा स्टील जुलॉग सेंटर, हुडको झील, शानदार जंगल, विविध वन्य जीवन, आकर्षण झरने, उत्तम हस्तशिल्प, साहसिक खेल, शानदार झील, करामती, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य और सबसे बढ़कर मेहमान नवाजी और शांतिप्रिय लोगों के साथ एक मनोरमा गंतव्य है। लंबे समय से बीमार चल रहे ईचागढ़ के पूर्व भाजपा विधायक साधुचरण महतो का इलाज के क्रम में मंगलवार को कोलकाता स्थित रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में निधन हो गया। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के सांसद संजय सेठ और कुणाल शंगड़की और उनका हालचाल जानने कोलकाता पहुंचे थे। विश्व बैंक ने राजधानी रांची समेत धनबाद और जमशेदपुर में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को हरी झंडी दे दी है। अब झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड प्रदेश के इन तीनों शहरों से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करेगा। बता दें कि जल्द ही प्रीपेड मीटर के लिए टेंडर फाइनल कर दिया जाएगा। राजधानी रांची में बुधवार की सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला, साथ ही हल्की हवा चलने से लोगों को कनकनी का एहसास भी हो रहा था। वहीं शहर में आर्द्रता का स्तर 70% के आसपास दर्ज किया गया। आज दिन में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा, हालांकि शाम में एक बार फिर से कनकनी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बुधवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर आगमन के लिए पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद के साथ कानपुर वो पहुंच गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। यूजर के बीच आजकल व्हाट्सएप एक लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसका उपयोग हर उम्र का व्यक्ति करता है। कंपनी भी अपने यूजर को शानदार एक्सपीरियंस मुहैया कराने के लिए आए दिन नए फीचर्स पेश करती रहती है और इसीलिए इसकी लोकप्रियता भी काफी है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है। इस बीच भारत का लोकप्रिय बिस्कुट पार्ले जी की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आम आदमी का बिस्कुट कहे जाने वाले पार्ले जी की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी की है। लोकतंत्र के मुद्दे पर एक बार फिर से अमेरिका कम्युनिस्ट देशों में दो दो हाथ करने के मूड में है। 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका में होने जा रहे वर्चुअल संवाद के लिए जिन देशों को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्योता भेजा गया, उसमें से कम्युनिस्ट देश चीन और रूस बाहर है। अमेरिका की तरफ से लोकतंत्र पर संवाद के लिए वर्चुअल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए दुनिया के 110 देशों को आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए टैरिफ दर कोटा के तहत अमेरिका को निर्यात के लिए 303 मीट्रिक टन कच्ची चीनी की अतिरिक्त मात्रा निर्यात करने की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अमेरिका को टैरिफ दर कोटा के तहत निर्यात के लिए 303 मीट्रिक टन कच्ची चीनी की अतिरिक्त मात्रा का आवंटन वित्तीय वर्ष 2021 के लिए किया गया है। पेटीएम और जोमैटो के बाद यह आईपीओ देश का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर देगा। पेटीएम और जोमैटो ने बाजार से आईपीओ के जरिए 18,300 करोड़ रुपए और 9,375 करोड़ रुपए जुटाए थे। स्टार हेल्थ का आईपीओ 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ में 2,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू होगा। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो अक्सर ही किसी न किसी बात को लेकर खबरों में छाया रहता है। हाल ही में कपिल शर्मा शो के मेकर्स से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाराज होने की खबरें आ रही हैं। बीते दिनों चर्चा थी कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी किताब के प्रमोशन के लिए शो पर आने वाली है। वहीं लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उनका एपिसोड आना फिलहाल कैंसिल हो गया है। देश में थिएटर कमांड बनाने की दिशा में बढ़ते हुए इन दिनों गुजरात और राजस्थान में दक्षिण शक्ति नाम की एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ साथ कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां भी हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास में करीब 30,000 सैनिक और पुलिसकर्मी हिस्सा ले रहे हैं।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद मोदी सरकार ने बढ़ा दी है। अब अगले साल मार्च तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस पर कुल 53,344 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलता रहेगा। अब तक 600 लाख मीट्रिक टन स्वीकृति किया जा चुका है। कुल मिलाकर इस पर 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भले ही दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। आज पार्टी कार्यालय में 4 साल बाद पहुंचे लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि बिहार में उनकी पार्टी सरकार बनाकर रहेगी। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने भारत के 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक हेल्थ केयर तक पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए $300 मिलियन के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से लगभग 25.6 करोड़ शहरी निवासियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें से 5.1 करोड़ स्लम क्षेत्रों में है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुन्नू कुमार, जितेंद्र कुमार, राजेश सोंथियाल, जितेंद्र ठाकुर, धीरज कुमार, कृष्णा दुबे, सुनील कुमार चौबे, विकास कुमार, डॉली कुमारी, सर्वग तिवारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को कृषि कानून के कारण कोई नुकसान होगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।